ओके अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो। दर्द तो नहीं हो रहा है? अभी सही हो जाओगे फिर घर चलते हैं। कितना बज गया? अभी टाइम हो रहा है 10:30 हो रहा है। नींद आ रही है? सो जाओ। तुमने कुछ कहा? हाँ मैं कल बस, तुम भी अभी तुम रिलैक्स हो आराम से, कोई तकलीफ नहीं हुई ना? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग ही? तो यहाँ पे आपको बताते चलें कि सबा का बेबी इस दुनिया में नहीं रहा, जो अल्लाह की मर्ज़ी है वही होता है। बस इंसान को सब्र करना चाहिए और हिम्मत से काम करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इंसानों के साथ ऐसा केस हो जाता है। तो सबा माशाल्लाह बहुत हिम्मत वाली है, अल्लाह ताला इसको हिम्मत दे। और माशाल्लाह से सनी ने बहुत ज़्यादा सबा को सपोर्ट की, बहुत हिम्मत दी उसको ताकि वो कमज़ोर ना पड़े। और इसी तरह सबा ने भी सनी के लिए वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं रोई और हिम्मत के साथ काम किया। अल्लाह ताला इंशाल्लाह इनको दोबारा खुशी अता करेगा। लेकिन जो ये दुख होता है तो वो तो एक अलग ही चीज़ होती है, क्योंकि इनका पहला बेबी था। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि सनी ने सबा को बहुत ज़्यादा संभाला है माशाल्लाह से, और हिम्मत से उसको बोला है। और सबा ने भी ऐसे ही सनी के लिए वो कहता है कि वो बिल्कुल भी नहीं रोई, और उसने उसकी खातिर अपने आप को, सबा कहती है कि मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा कि सनी कमज़ोर ना पड़ जाए। और जैसा सनी ने कहा कि सबा ने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा, लेकिन एक माँ बनने की खुशी अलग होती है कि अल्लाह ताला ने एक माँ का दर्जा बहुत बुलंद रखा है, और वो चीज़ एक माँ ही समझ सकती है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनको ये दोबारा खुशी अता करेंगे। हम सब सबा के लिए दुआ करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। अल्लाह ताला इन दोनों को बहुत खुश रखे। और आप सब ने सबा को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हौसला देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।